जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भर्ती आई हुई है नॉर्थन रेलवे के तरफ से, डायरेक्ट भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन उसी के बेसिस पे कर लिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन मौका है, ऑल ओवर इंडिया कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है या फिर कह सकते हैं इस भर्ती में जा सकता है, इस जगह जा सकता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए भर्ती आई भी है। तो चलिए एक एक करके यहां पे जानकारी ले लेते हैं हम लोग, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल वाली छोटी सी घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको अपने राज्य की जितनी भर्ती है या फिर जितनी भी नौकरी है सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती आ रही है ये वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपको डायरेक्ट भर्ती में जाना होगा, डायरेक्ट जो जगह बताया गया वहाँ पर जाना होगा, इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन उसी के बेसिस पर कर लिया जाएगा। और ये जो है नॉर्थन रेलवे की तरफ से निकाला गया पोस्ट है। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये जो पोस्ट निकल के आती है वो पैरा मेडिकल स्टाफ के तौर पे पोस्ट आपको मिलती है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पे आपको लिया जाएगा, जो कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि आपको नौकरी मिलने वाली है, उसके रख रखाव या फिर उसको उसके जो जितने भी पेशेंट आएंगे उसको देखभाल करने के लिए यहाँ पे आपको रखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दिया है, वहाँ से आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इंडियन जो नॉर्थन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ पहले से है। यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपको किस पोस्ट के लिए जाना होगा, किस पोस्ट के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट आई हुई है, पाँचवा नंबर पे आप एचए का जो पोस्ट देख रहे हैं इसी के लिए आपको अप्लाई करना है, यानी कि इसी के लिए आपको जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इस भर्ती में जा सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिप्यूटेड हॉस्पिटल का तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा अगर वहाँ पर सीट खाली होती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज मांगा गया है वो 18 ईयर्स से लेकर के 33 ईयर्स के बीच में आपका एज मांगा गया, यानी कि 18 से लेकर 33 साल के लोग इस फॉर्म को या फिर इस भर्ती में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कब जाना होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ 7 अप्रैल 2020 को ये भर्ती होगी और ये 10 बजे के बाद आप कभी भी जा सकते हैं, 10 बजे से लेकर के यहाँ पर आप जो इंटरव्यू अपना दे सकते हैं। कहाँ पर जाना होगा ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि ये जो भर्ती निकल के आती है नॉर्थन रेलवे की तरफ से आती है जिसमें दिल्ली शामिल है, तो यहाँ पर दोस्तों कमेटी हॉल, रेलवे डिवीजन मैनेजर्स ऑफिस, स्ट्रेट एंट्री रोड, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली, यहीं पर आपको जाना होगा, यहीं पर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि कह सकते हैं इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और अपना जो भी उनको सुविधा मिलती है वो उस सुविधा के थ्रू जो है जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी टीए डीए नहीं मिलेगा यहाँ पे, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप जाते हैं तो कोई भी आपको खर्च नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो बेसिक सैलरी आपको मिलेगी और यहाँ पर डीए जो है आपको डेयरनेस अलाउंस और जो अलाउंसेज अलग अलग मिल जाएगा यहाँ पर देखने को। याद रहे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है भर्ती कराई जाएगी और सिर्फ 3 महीने के लिए भर्ती कराई जा रही है, तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते तो आप नहीं भी जा सकते क्योंकि ये टेंपरेरी जॉब यहां पर दी जा रही है। तो पूरा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।